हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे फंड के बारे में जिस फंड ने पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न दिया है, यानी सीएजी रिटर्न दिया है लगभग 45%, और इसका एनएवी चल रहा है 132 रुपये। और ये फंड जो है वेरी हाई रिस्क में हो सकता है क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है। सो आइए नज़र डालते हैं इसी फंड के बारे में, पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। इससे पहले कि आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो आइए जानते हैं वो कौन सा फंड है। ये है ICICI Prudential टेक्नोलॉजी फंड। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, स्कीम लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो स्टॉक यानी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो अगर फंड का डिटेल की अगर बात करें, ये फंड जो है 3 मार्च 2000 को ही स्टार्ट हुआ था, और इसका जो बेंचमार्क है BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स, और इसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन जो है 11% के आसपास है, 12% के आसपास है। और इसमें भाई मेरी हाई रिस्क हो सकता है, और ये इक्विटी फंड रहेगा। ये इक्विटी फंड है यानी सेक्टोरल फंड है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड है, यानी टेक्नोलॉजी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता है। एक्सपेंस रेशियो 2.11 है। फंड साइज की बात करें 8,993 करोड़ कंपोनेंटेड इक्विटी स्कीम में। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 से शुरू कर सकते हैं, एडिशनल परचेज 1,000 रुपये से देके एडिशनल परचेज कर सकते हैं, और SIP जो है मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और मिनिमम विड्रॉल जो है 1 यूनिट आपका आप विड्रॉ करते हैं कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात करें, 98.39% जो है एलोकेशन इक्विटी के अंदर किया गया है, और डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर 1.15% और अदर के अंदर 0.46% इन्वेस्टमेंट किया गया है। मार्केट कैप एलोकेशन की अगर बात करें, जायंट कैप के अंदर 68% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, लार्ज कैप में एलोकेशन 15.81% है, और मिड कैप के अंदर 11.85% है, और स्मॉल कैप में 4.24% एलोकेशन किया गया है। अगर हम सेक्टर की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो है सेक्टर यानी टेक्नोलॉजी के अंदर ही है, 78.43% इन्वेस्टमेंट किया गया है। कम्युनिकेशन के अंदर 9.28, सर्विसेज में 7.62, और कैपिटल गुड्स के अंदर 1.34, अदर्स में 1.07% इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी ज़्यादातर आप देखोगे टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस फंड के अंदर। 78% जो है टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो इन्फोसिस में 31.61% इन्वेस्टमेंट किया गया है सबसे ज़्यादा, और इसके बाद TCS आता है, TCS में 18.38%, भारतीय एयरटेल जो कम्युनिकेशन से आता है 8.06%, SCL टेक्नोलॉजी से आता है 7.68% इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो मेजर अगर रिस्क रेशियो की बात करें, अगर हम किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास करके अगर सेक्टोरल फंड है इसमें तो हाई रिस्क होता है, तो इसको मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं, जिसका इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.40 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 21.23 है, इसलिए ये हाई वोलेटाइल है, बीटा भी ज़्यादा है। सो नेक्स्ट आता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की। सो सार्फ रेसे बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में। सो इस फंड का 1.44 है, और कैटेगरी एवरेज 1.37, इसलिए बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसमें देखने को मिलेगा। टेनर रेशियो में भी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिला है। सो आइए नज़र डालते हैं इसका रिटर्न के बारे में। अगर पिछले 3 साल का रिटर्न आप देखोगे, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ, जिसका किस किया हुआ लमसम वैल्यू में लगभग 30,270 रुपये हो गया है। 5 साल में वो 10,000 का वैल्यू 25,000 हुआ है, 10,000 का वैल्यू 10 साल में 61,000 हो गया है, यानी लगभग 510% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन 10,000 का इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 1,32,000 रुपये हो गया है। सो आइए नज़र डालते हैं सिप रिटर्न के बारे में। अगर सिप की बात करें, पिछले 3 साल में आपने अगर 36,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है 1,000 रुपये SIP करके, तो इसका वैल्यू आज के रेट में 45,500 रुपये हो गया है। 5 साल में 60,000 का वैल्यू जो है 1,00,000 के आसपास हो गया है, और 10 साल में 1,20,000 का वैल्यूशन लगभग 3,23,000 रुपये हो गया है, लगभग 3 गुना का रिटर्न देखने को मिला है पिछले 10 साल के अंदर। अगर आपने 1,000 रुपये करके SIP किया हुआ है इसके अंदर, तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो ये डिटेल है ICICI टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये ध्यान रखें कि ये सेक्टोरल फंड है, इसलिए इसमें वेरी हाई रिस्क हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।